शादी के 32 साल बाद नेशनल टेलीविजन पर छलका भाग्यश्री का दर्द। परिवार की मर्जी के खिलाफ भाग्यश्री ने की थी हिमालय दास्तानी से शादी। रियलिटी टीवी शो के मंच पर अपनी शादी का किस्सा याद कर रो पड़ी भाग्यश्री। फिल्म मैंने प्यार किया की सुमन यानी कि एक्ट्रेस भाग्यश्री कई बरसों के बाद छोटे पर्दे पर लौट कर आई हैं, वो भी अकेले नहीं बल्कि अपने पति हिमालय दासानी के साथ। भाग्यश्री और हिमालय दासानी इन दिनों स्टार प्लस के शो स्मार्ट जोड़ी में नजर आ रहे हैं। भाग्यश्री और हिमालय की केमिस्ट्री दर्शकों को भी खूब पसंद आ रही है। इसी बीच भाग्यश्री ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसकी वजह से वो चर्चा में छा गई है। दरअसल शो के अगले एपिसोड में भाग्यश्री और हिमालय स्टेज पर शादी रचाते दिखेंगे। चैनल की तरफ से शो का एक प्रोमो भी रिलीज किया गया है जिसमें भाग्यश्री अपनी शादी के दिन को याद कर बेहद इमोशनल हो जाती हैं और स्टेज पर ही उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि आज से 32 साल पहले भाग्यश्री ने अपने चाइल्डहुड बॉयफ्रेंड हिमालय दासानी के साथ परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। उस दौरान उन्हें अपने परिवार की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा था। उन्हीं दिनों को याद करते हुए भाग्यश्री शो में इमोशनल हो जाती हैं। प्रोमो में भाग्यश्री कहती दिख रही हैं कि मेरे लिए शादी में कोई नहीं था सिवाय इनके। जब मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ तो वो नहीं माने। इसके साथ ही शो के प्रोमो में भाग्यश्री ने उन लोगों पर भी अपना गुस्सा उतारा है जो उन पर घर से भागकर शादी करने का इल्जाम लगाते हैं। भाग्यश्री कहती हैं कि जो लोग और मीडिया कहते हैं कि मैंने भागकर शादी की उससे बहुत गुस्सा आता है मुझे, क्योंकि मैंने भाग के शादी नहीं की थी। बता दें कि हिमालय दासानी से भाग्यश्री की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी। स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। फिल्म मैंने प्यार किया की रिलीज के बाद भाग्यश्री रातों रात स्टार बन गई थी। कहा जाता है कि उसी दौरान हिमालय दासानी भाग्यश्री को लेकर बेहद पॉजिटिव भी हो गए थे। भाग्यश्री किसी भी कीमत पर हिमालय को खोना नहीं चाहती थी। महाराष्ट्र के सांगली राजघराने की राजकुमारी भाग्यश्री ने जब अपने प्यार और हिमालय से शादी करने की इच्छा के बारे में परिवार को बताया तो उम्मीद के मुताबिक उन्होंने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। भाग्यश्री की रॉयल फैमिली को हिमालय से उनका रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन भाग्यश्री हिमालय से शादी की बात पर अड़ी रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने सलमान खान, सूरज बड़जातिया और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में मंदिर में शादी की थी। शादी के बाद भाग्यश्री ने सिर्फ अपने पति के साथ ही फिल्मों में काम करने की शर्त रख डाली थी, जिसके चलते उनका करियर बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। हालांकि इस बार भाग्यश्री और हिमालय की जोड़ी रियलिटी शो के मंच पर अपनी किस्मत आजमा रही है। देखते हैं कि दर्शकों को ये जोड़ी कितना लुभा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।